तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कंपनी की मीटिंग में किसी प्रपोजल पे 70% मेंबर्स एग्री है, फेवर में है, और 30% अपोज में है, डिसएग्री है। तो हमें क्या करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरियंस फाइंड करना है किसके लिए, कि रैंडम वे से अगर किसी हम पर्सन को हम चूज़ करें तो वो पर्सन जो अपोज में है वो वाला होगा या जो उसके फेवर में वो होगा। तो इस क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि जो अपोज में है उसके लिए x इक्वल्स टू 0 लेना है और जो फेवर में है उसके लिए x इक्वल्स टू 1 लेना है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि गिवन डैट कि जो अपोज में है उसके लिए x इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट करनी है और जो फेवर में है उसको x इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करनी है, मतलब उसे डिनोट करना है। अब इसके बाद जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, और इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो 70% है वो एग्री है मतलब फेवर में है, तो जो 1 होगा उसका 70% कितना होगा, तो वो होगा 0.7, और जो अपोज में है 30% तो 1 का 30% होता है 0.3। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसका है, जो अपोज में है, फेवर में नहीं है। तो यही इसी के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये चार्ट बना टेबल बना दिया है। अब इसी बेस पे हम इसका मीन फाइंड करेंगे, ई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो ई ऑफ एक्स के लिए जैसे हमेशा की तरह एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.30 ही होगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 0.7 ही होगा। तो जो मीन है ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0.7 आएगी। अब इसी के बाद ये मीन वैल्यू फाइंड हो गई, अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। तो ई एक्स की वैल्यू तो हमें मिली है, उसका हम डायरेक्टली स्क्वायर वैल्यू पुट करके स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, बट ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं मिली है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से इसी टेबल का यूज़ करेंगे। इसमें पहले x का स्क्वायर करके फिर p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो एज इट इज़ ये 0 हो जाएगा, बट एंड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये जो वैल्यू है वो भी हमारी सेम ही आने वाली है। तो e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आई हमारी, 0.7 ही आई। तो अब हमारे पास e ऑफ x की वैल्यू और ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों की वैल्यू है। अब हम इन दोनों की वैल्यू को वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करके वेरिएंस को फाइंड कर लेंगे। तो वेरिएंस के फॉर्मूले में हम अब ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स डी होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि दोनों की दोनों वैल्यू 0.7 ही है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 0.21। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स जो मीन है वो 0.7 और जो वेरिएंस है वो 0.21 आया।